हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ सैटन बाय जीएससी फॉर्मिंग फेस वॉश का। ये सिर्फ एक फेस वॉश ही नहीं है बल्कि एक काइंड ऑफ ट्रीटमेंट है फॉर योर ऑयली एंड पिंपल प्रोन स्किन। अगर आपकी स्किन ऑयली है, चिपचिपी रहती है, चेहरे में एक्ने पिंपल्स बनते हैं, कील मुहासों की आपको प्रॉब्लम है या आपको लार्ज ओपन पोर्स हैं, तो डेफिनेटली आपको ये फेस वॉश एक बार ज़रूर से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये फेस वॉश टी ट्री ऑयल एंड 4% नियासिनामाइड बेस्ड है, जो कि न सिर्फ आपके चेहरे से डर्ट, इम्प्योरिटी एंड जर्म्स को क्लीन करता है, बल्कि ये फेस वॉश आपके चेहरे में बनने वाले एक्स्ट्रा सीबम, एक्ने पिंपल्स और ब्रेकआउट्स को भी कंट्रोल करता है। और अगर आपको लार्ज ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उनको श्रिंक करने में, उनके साइज़ को कम करने में ये फेस वॉश बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर आप अचीव करना चाहते हैं एक क्लियर, ब्राइट, स्मूथ एंड सपल स्किन, तो डेफिनेटली दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इस सैटन बाय जीएससी का ये फेस वॉश एक फॉर्मिंग फेस वॉश है, जो कि आपको मिलता है एक एप्लीकेटर ब्रश के साथ। एंड इसके जो ब्रशेस हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, जो कि आपके स्किन को क्लीन करने के साथ साथ आपके स्किन की लाइट मसाज भी करते हैं, जिससे कि आपके स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपकी स्किन ग्लो करती है। ये फेस वॉश यूज़ करने में जितना रिलैक्सिंग है, उतना ही आपके स्किन को डीपली क्लीन भी करता है। आपके स्किन में अंदर तक छुपे हुए डर्ट, सीबम, डेड स्किन सेल्स को भी ये इजीली रिमूव कर देता है, जो कि बाद में पिंपल्स एंड ब्रेकआउट्स को लीड करते हैं। इस फेस वॉश में टी ट्री ऑयल 4% नियासिनामाइड है, जिसमें टी ट्री ऑयल में एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने पिंपल्स, ब्रेकआउट्स को ट्रीट करती है। नियासिनामाइड जो है वो एक बहुत ही अच्छा स्किन केयर इंग्रेडिएंट है, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये आपके एक्ने पिंपल्स को तो कंट्रोल करता ही है, साथ में ये आपके साइन ऑफ एजिंग को भी रिड्यूस करता है। ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, पिगमेंटेशन, दाग धब्बों को ये रिड्यूस करता है। ओपन पोर्स को श्रिंक करने में नियासिनामाइड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है, और इससे आपके स्किन जो है वो ब्राइट भी होती है। इसके अलावा गाइस, इस फेस वॉश में है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, जिसमें कि बहुत सारी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, आपके स्किन को नरिश करता है, हाइड्रेट करता है और सपल बनाता है। ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट भी इसमें है, जो कि विटामिन सी का ही एलिमेंट है, और ये आपके स्किन में ग्लो को ऐड करता है, स्किन को क्लियर एंड ब्राइट करता है। लेमन पील एक्सट्रैक्ट भी है इसमें। लेमन पील एक्सट्रैक्ट जो है वो स्पेशली टारगेट करता है आपके डार्क स्पॉट्स पे, पिगमेंटेशन पे, अनइवन स्किन टोन को इवन करता है और आपके स्किन से मेलेनिन के प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है। इसमें रोज़ ऑयल है, जैसे जो कि एक नेचुरल हर्ब्स है, और इसमें रोज़ ऑयल जो है वो हमारे स्किन के पीएच को बैलेंस करता है, स्किन को क्लियर और स्मूथ बनाने में हेल्पफुल होता है रोज़ ऑयल। इसके मेन इंग्रेडिएंट है, बाकी कंप्लीट इंग्रेडिएंट की लिस्ट आप इसकी बॉटल में चेक कर सकते हैं। इसमें इसेंशियल ऑयल की माइल्ड फ्रेग्रेंस है, जो कि काफ़ी अच्छी है, और ये एक डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड फेस वॉश है, तो बिल्कुल सेफ़ टू यूज़ है। बट फिर भी अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप एक पेस्ट टेस्ट पहले कर लें। ये फेस वॉश सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, लेकिन अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तो ये आपके लिए बेस्ट फेस वॉश साबित हो सकता है। सो गाइस, सैटन बाय जीएससी का ये फॉर्मिंग फेस वॉश अगर आप अपने लिए बाय करना चाहते हैं, तो इसके बाय लिंक मैं आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहां से जाके इस प्रोडक्ट को चेक करके इसे बाय कर सकते हैं।